बिहार अपडेट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। लोजपा में हुई फूट के बाद दोनों दलों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों दलों के मुखिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था और अब यह सिलसिला पोस्टर वॉर के रूप में सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और हमारे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में हम आपको दिखाना चाहेंगे चिराग पासवान को अभिमन्यु का रूप ना बताकर बाबा अंबेडकर का योद्धा बताया गया है। और दूसरे पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं कि चिराग पासवान के ऊपर किस तरह से साजिश के तहत पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया गया है। दोनों तस्वीरों में आम बात यह है कि इसके मुख्य रूप पर आरोपी नीतीश कुमार, ललन सिंह और सूरजभान सिंह को ही बताया गया है। दूसरे पोस्टर में पशुपति पारस को मोहरा बताया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोजपा के प्रवक्ता अमर आज़ाद जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये पोस्टर जो आपने जारी किया है क्या इसका आशय है। देखिए, इस पोस्टर से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस पोस्टर का क्या महत्व है। जिस तरह से पशुपति पारस जी को मोहरा बनाया गया और जो ये जो लोजपा को टूटी है, जो परिवार टूटा है लोजपा का, उस सब का जिम्मेदार जो है डायरेक्टर है नीतीश कुमार जी, और मुखबिर का काम ललन सिंह ने किया है, और जो विलेन है सूरजभान सिंह है, और मोहरा पशुपति पारस जी, और हीरो है बिहार का चिराग पासवान, इनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम जो किए हैं, पीठ पर खंजर भोंकने का काम, हाँ, और ये चक्रव्यूह भी रचा है इन लोगों ने, जितने एमपी है और सबको है। तो चिराग पासवान बाबा साहेब अम्बेडकर के संतान हैं, रामविलास जी के हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ के निकल जाएंगे। चिराग पासवान पटना कब आने वाले हैं? चिराग पासवान 5 जुलाई को आएंगे पटना, और हाजीपुर से दौरा पूरे बिहार का स्टार्ट होगा, और हम लोग कोरोना से जो पीड़ित थे उन लोगों को मदद करेंगे, जो बाढ़ से पीड़ित थे उत्तर बिहार में उन लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी के लोग मदद करेंगे। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी चल रही है पूरे बिहार में जनता बुला रहा है, चिराग का एक झलक देखने के लिए पूरे बिहार की जनता तरस रही है, वो चाह रही है कि कब हमारे चिराग पासवान आए और हम लोगों के बीच में हम लोगों से संवाद करें और अपनी बातों को रखें। पूरे बिहार की जनता चिराग पासवान को देखने के लिए तरस रही है, वो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान सामने आए, ऐसा कहना है लोजपा के प्रवक्ता का। 5 तारीख को चिराग पासवान पटना आने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 को स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार भर में चलाने वाले हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।